मेरा नाम शरोज राशिद है और मेरा सवाल सलमा भट्ट साहिबा और हाफिज़ साहब दोनों से है। स्टेपिंग असाइड, आप दोनों के पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स कितने भी हैं, बीइंग ए स्टूडेंट मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप दोनों की पार्टीज़ ने स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं ताकि बेरोज़गारी ख़त्म की गई है और कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की गई हैं विद इन पास्ट फ्यू ईयर्स। हमने नौजवानों को सोशल मीडिया की ट्रोलिंग से हटाकर IT सिटी दे रहे हैं। ट्विटर बंद पड़ा है, ट्विटर बंद पड़ा है, VPN पे चल रहे हैं आप लोग, IT सिटी बना रहे हैं, VPN पे चल रही है चीजें। एक मिनट, हम यहाँ पर फ्रीलांसर्स जो है उनके प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। हमने जो टेप्टा का जो स्किल प्रोग्राम है, इदारा है जो हमारे पास, वहाँ उसकी पूरी रिवैम्पिंग की जरूरत है क्योंकि इस वक्त दुनिया जो है वो स्किल डेवलपमेंट में भी बहुत आगे जा चुकी है। हम टेप्टा को तालीमी इदारों के साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं कि जिसमें से जो स्टूडेंट्स हैं वो एजुकेशन के साथ साथ स्किल प्रोग्राम का भी हिस्सा बन सकें। बस हम 9 महीने कराएंगे। जो IT डेवलपमेंट हो रही है वो ये हो रही है बेटा, इंटरनेट बंद कर दिया गया ताकि कोई फ्रीलांसर पैसा ना पाकिस्तान में कमा सके। दूसरा, अभी यहाँ से उठेंगी बाहर जाके VPN ऑन करके एक ट्वीट करेंगी, ये हुकूमत में बैठे हुए हैं भाई। ये कोई मुझे एक चीज, ये सारे बच्चे बैठे हैं यार, आप शुमाली कोरिया में रहते हो, आप किसी फासिस्ट रजीम में रहते हो, आपके पास फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि नहीं? आप लोगों का हक है, आप लोगों के सामने सबकी कारकर्दगी, वो आप लोग फैसला करें। यहाँ ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बंद कर रहे हैं ताकि लोगों को पता ना चल सके। भाई अपने करतूत अच्छे करें, लोगों से इंफॉर्मेशन ना छुपाएं। हाफिज साहब, एक जो एतराज आपकी जमात के ऊपर आता है वो ये है कि ट्विटर के ऊपर जो है वो फ्लो ऑफ डिसइंफॉर्मेशन या फेक न्यूज इतना ज्यादा पेडल किया जाता है, ऐसे ऐसे ट्रेंड्स चले हैं ट्विटर के ऊपर इतने बेहुदा किस्म के खवातीन के हवाले से, जिसकी वजह से आपकी पार्टी के ऊपर बहुत तनकीद भी होती है। मरियम नवाज़ के हवाले से जो गुफ्तगू हुई है, उनके हवाले से जो ट्रेंड्स चले हैं, आप तनकीद करें, वो आपका हक है, उस पर कोई नहीं रोकता आपको। लेकिन ये भी एक वजह बनी है जिसकी वजह से, आपकी वजह से बाकी भी फंस गए हैं कि वो भी बेचारे ट्विटर नहीं यूज़ कर सकते। हमारी वजह से नहीं फंस गए। एक तो मैं पहली बात कंडेम करता हूँ कि अगर कोई भी गैर इखलाकी हरकत हो, गैर इखलाकी बात हो, गिरी हुई इखलाक से गिरी हुई कोई भी बात ट्विटर पर किसी की जमात के खिलाफ भी हो, गलत बात है। अब मोहसिन नकवी साहब इनके ही है ना वजीर दाखिला, इनके बामरे मजबूरी, इनने कहना ही तो इनके है ना। अच्छा, कहना तो इन्होंने इनका ही है, ये माशाल्लाह इन्होंने किया। फाइबर ग्लास कौन लाया था? इनसे पूछे फाइबर ग्लास कौन लाया था? फाइबर ग्लास लाने वाला शख्स जो है उसका नाम है इमरान खान। फाइबर ग्लास, ये जो फाइबर वॉल, सॉरी फाइबर बॉल, एक तो खान साहब ने कहा था पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश ही करते हैं। फाइबर वॉल नहीं है, जो जापान और जर्मनी का बॉर्डर मिला के स्लिप ऑफ टंग कहते हैं, जो पाकिस्तान जब बना तो 1947 में इनका इमरान खान ने टीवी पे कहा 40 करोड़ थी तब आबादी, अब 22 करोड़ है, वो स्लिप ऑफ टंग होता है। जब वो रूहानियात जो है वो नहीं बोलना आता तो स्लिप ऑफ टंग होता है, वो मेरे फाइबर ग्लास का इतना बड़ा पखंड बना रहे हैं। और इमरान खान ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि वजीर आजम हो या कोई भी हो, उसकी घरों की कॉलें टेप करना, उनके टेलीफोन टेप करना अच्छी बात है, एजेंसियों को करने चाहिए। यहाँ पे मुझे इंटरसेप्ट करना पड़ेगा, मेरा इंटरव्यू था वो मेरा इंटरव्यू था इमरान खान साहब से, मैं सवाल कर रहा था, इस सवाल का जवाब उन्होंने मुझे दिया था, मैंने उनसे सवाल किया था, उन्होंने अपने बारे में कहा था जी, उन्होंने अपने बारे में ये नहीं कहा था लोगों के करना अच्छी बात, उन्होंने कहा था बतौर वजीर आजम सिक्योरिटी के लिए, जो कि मुझे उसमें भी इख्तलाफ है। मैंने उनसे कहा था आपकी प्राइवेसी है, आप एक प्राइम मिनिस्टर हैं, आपकी प्राइवेसी, आपकी प्राइवेट देने वाला वो शख्स था, ये बातें करने वाला था, मीडिया पे बैठ के वो शख्स था। अच्छा, दूसरी बात आगे चलें, अगली बात का एक मिनट मुल्क साडा ऐसा से अगे नहीं जा। माई क्वेश्चन इज फॉर द मैन कि आपको क्यों लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन पाकिस्तान सपोर्ट्स और फेवर्स कंटेनर्स और रोड ब्लॉक्स की वजह से भी लोग फिर भी यू नो जलसे में आए? पहली बात तो ये यही फर्क है कि हमें रियलिटी जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उस जलसे में जो लोग आए, आपको पता है वो लोग कौन थे? खैबर पख्तूनख्वा का सारा पैसा इस्तेमाल करके, सारी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके, वहां पे 1122 की गाड़ियों पे सरकारी मुलाजिम भर के लाकर, और अगर आपको याद हो अगस्त में जो इन्होंने अपना जलसा कैंसिल किया था, अली अमीन गंडापुर साहब की आई थी वीडियो, लाइन में खड़े करके लोगों को 5,000 रुपया दे रहे थे सरकारी मुलाजमों को, और पैसे देकर इस्लामाबाद में लाने के बावजूद 10,000 से ज्यादा बंदा नहीं इकट्ठा कर सके। और दूसरी बात यह, उस जलसे में बच्चे कहा गया कि मैं लश्कर लेकर आऊंगा, करेने लेकर आऊंगा, इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ूंगा,
ये सियासी तकरीर है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा क्वेश्चन मैम से है। ये क्वेश्चन है कि जो लैपटॉप स्कीम है वो सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्यों है, क्योंकि अभी मैं UMT में प्राइवेट पढ़ रहा हूँ, तो अब मुझे ही पता है ना कि मेरी फीस कैसे जा रही है, तो अब मेरा डिपार्टमेंट भी IT का है, तो फिर अगर मुझे कहीं से डिवाइसेस की ज़रूरत पड़े तो वो सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्यों है? बच्चे हम बिल्कुल, आपका ये सवाल बिल्कुल जायज़ है और आपकी ये डिमांड भी जायज़ है। हमें ये लगता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स आते हैं वो होते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। सलमा साहबा, एक सवाल स्टूडेंट्स के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा, वो ये जिस तरह बच्चे ने लैपटॉप की बात की, एक तासुर ये है आपकी जमात के हवाले से कि आप लोग इन बच्चों को तो लैपटॉप वगैरह इन चीज़ों के ऊपर तरखा देते हैं, लेकिन जब आपकी पार्टी की लीडरशिप की बारी आती है कि वो किसके पास जानी है, तो वो सिर्फ आप लोगों के शरीफ खानदान के बच्चों के पास ही जाती है। वो आप बतौर एक रहनुमा, ये बात नहीं, आप आज 2024 में आप ये कमिट कर सकती हैं कि मरियम नवाज के बाद जुनेद सफदर मुस्लिम लीग नून को लीड नहीं करेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आप पूरी दुनिया उठाकर देख लें। देखें, सियासत में आना हर किसी का हक है। आप भी आ सकते हैं, मैं भी आ सकती हूँ, शरीफ खानदान भी आ सकता है, उनके बच्चे भी आ सकते हैं। जो हमें बात करने की ज़रूरत है वो ये है कि आप प्रोसेस में से गुजर के आएँ, आप मेरिट पे आएँ, आप काम करके आएँ, आप जिद्दोजहद कर आएँ। जस्टिन ट्रूडो जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में पैदा हुआ था, ठीक है, उसके बाद आप अमेरिका में देख लें, बुश के बाद बुश 2 भी आया, आप पुटिन को देख लें, आप ये जो बर्तानिया में आते हैं, अच्छा, किस तरह देखें, एक मिनट आप खामोश रहे, आप अपने टाइम पे बोलिएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में, अच्छा दूसरी बात है, ये जो बहुत बड़े अलमबरदार बनते हैं मौरूसी सियासत के आए थे खत्म करने, शाह महमूद कुरैशी की बेटी और बेटा दोनों खड़े हुए थे जलसे के अंदर, तकरीर कर रहे थे, बेटा भी MNA, बेटी भी MNA, शाह महमूद कुरैशी भी MNA, बेटी MNA बनी थी, मगर बात सुने, अब सुन ले, अब हौसला पैदा करें। जहांगीर तरीन आए इनकी पार्टी में, साथ उनका बेटा भी आया। अब इस वक्त सबसे बड़ा झगड़ा ये चल रहा है के अलीमा खान बनेगी वारिस या बुशरा बीबी बनेगी वारिस। सलमा साहबा, ये बताइए, इन बच्चों को क्या ये पैगाम देना चाहिए कि मौरूसी सियासत कोई बुरी बात नहीं? मौरूसी सियासत बिल्कुल बुरी बात नहीं, अगर आप प्रोसेस में से आ, मेरी एक बात सुन लें, इसका जवाब सुन लेना, उधर का भी देख लें और इधर का भी डिफरेंस देख लें। हमारी तरफ कौन कौन लीडरशिप ग्रो की है? मुराद सईद, हमाद अजहर। किधर है वो आज? किधर है मुराद सईद? बताएं लोगों को, ये भी बच्चों को, अमेरिका भाग गया, ताकि आपके हवाले कर दें और आप लोग इनकाउंटर कर दें। आज मुझे बताएं, शायद खकान अब्बासी कहाँ है, आपका चोरी निसार अली खान, जवेद हाशमी किधर हैं? आप सब, आपकी जमात से भी बहुत बड़े बड़े कारकुन जो है वो पार्टी छोड़ गए, क्योंकि उनको सपोर्ट, फौजिया कसूरी, आप जानते हैं फौजिया कसूरी की क्या कुर्बानियां हैं पार्टी के लिए, छोड़ के चली गई, ठीक है। जस्टिस मजीउद्दीन, इमरान खान और उसकी फैमिली इन्वॉल्व हो गई उस वक्त जहांगीर तरीन के लव में मुब्तला थे खान साहब, इस वजह से छोड़ गए। यही इशू है कि खान साहब के साथ लोग आते हैं, थोड़ा सा टाइम गुजारते हैं और फिर अलीम खान किधर गए? अगर अलीम खान किधर गए, जो सारी इधर से आए थे उधर ही चले गए।